नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। मायके से पैसे न लाने से हुई मारपीट, उधारी मांगने पर चाकू से किया गया हमला, कर्मचारी के साथ की गई धक्का मुक्की। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मायके से पैसे न लाने पर हुई पिटाई। अमरावती में दवाखाना खोलने के लिए मायके से पैसे न लाने पर फिजियोलॉजिस्ट ने पत्नी को दोपहिया से गिराकर सरेआम मारपीट दी। सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत पर उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना 22 जून 7:15 पर हुई। आरोपी आशीष चौधरी विशान नगर अकोला रोड अमरावती के निवासी है। वह एक अस्पताल में काम करता था। वर्ष 2023 में जब उसका विवाह हुआ था, शिकायत है कि वह शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर डालने के लिए पत्नी पर मायके से पैसे लाने की दबाव डाल रहा था। 22 जून की शाम पति पत्नी दोपहिया से बालाजी हॉस्पिटल स्थित हॉस्पिटल जा रहे थे। आशीष चौधरी की अत्यंत शराब पी रखी थी। जसतम चौक पर पत्नी ने दोपहिया से गिरकर उसे सरेआम मारपीट दी तथा मायके के पैसे लाने से कहा। इस दौरान परिसर में उपस्थित लोगों ने महिला की जान बचाई। महिला को सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर महिला की शिकायत पुलिस ने शराब पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधारी मांगने पर चाकू से किया गया हमला। देवरी में उधारी के रुपए मांगने पर दोस्त के साथ चाकू से वारदात की गई। ऐसे में कारण मोहित और संघर्ष गाड़ गए। दोस्त थे, संघर्ष जब घर के कारण आया था तब करण ने अपने दोस्त संघर्ष को भोजन भी करवाया था। भोजन के बाद करण ने संघर्ष से उधार लिए हुए पैसे मांगे। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बहस से करण तेज और हथियार लेकर उस पर वार कर दिया गया और साथ ही उसे मौत के घाट उतार दिया। कर्मचारी के साथ हुई मारपीट। वर्धा में जलापूर्ति होने से विवाद हुआ और मजबिन कर्मचारियों से मारपीट की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णराव निकम सिंधी मेघम परिसर से मजिंद के साथ नल से पानी छोड़कर काम करते थे। साथ ही पाइपलाइन लीक होने की वजह से जलापूर्ति नहीं होने से छठवें दिन तकनीकी खराबी दुरुस्त करने के लिए कदम जलापूर्ति के लिए आए थे। इस दौरान उनसे साथ मारपीट की गई और साथ ही मामला दर्ज किया गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हो। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।